हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर उषा चहल। इस वीडियो में हम असेसी यानी करदाता का अर्थ समझेंगे। असेसी करदाता अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। करदाता वह व्यक्ति है जिसके द्वारा कोई टैक्स या अन्य राशि जैसे इंटरेस्ट या पेनल्टी देने की जिम्मेवारी है या वह इस तरह की अमाउंट पे करने के लिए उत्तरदायी है। यह असेसी वह व्यक्ति है जिसकी इनकम का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है या उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है या यदि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का लॉस हुआ था या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का लॉस हुआ था तो उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की हानि निर्धारित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उस व्यक्ति द्वारा अधिक टैक्स का भुगतान कर दिया गया था और उस पर्सन को रिफंड दिए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट है डीम्ड असेसी या रिप्रेजेंटेटिव असेसी यानी माना हुआ करदाता। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है या यूं कहें कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो जिम्मेवार है तो उसे माना हुआ करदाता कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी माइनर चाइल्ड या लुनेटिक पर्सन के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति उस अवयस्क अथवा मानसिक तौर पर असमर्थ व्यक्ति की आय के लिए करदाता माना जाता है। माइनर चाइल्ड वो होता है जो कि 18 वर्ष की आयु से कम का होता है। ल्यूनेटिक पर्सन वह होता है जो कि मानसिक तौर पर ठीक नहीं होता और वह कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं होता। ये लोग यानी माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन अपने माता पिता, सगे संबंधी पर या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यदि किसी भी तरह के कर देने के लिए ये जिम्मेवार हैं तो इनके बिहाफ पर इनके माता पिता या इनके गार्जियन ही डीम या रिप्रेजेंटेड असेसी ही जिम्मेवार हैं। प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी के लिए भी करदाता माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं और वे इस वक्त विदेश में रहते हैं तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न मैं इंडिया में भर देती हूँ तो मैं अपने पिताजी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी कानूनी उत्तराधिकारी उस आय के संबंध में करदाता माना जाता है जिस पर उसने मृत्यु से पहले टैक्स ना चुकाया हो। अगर वह व्यक्ति मृत्यु से पहले अपनी वसीयत बना देता है कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार का कौन सा सदस्य उसके बिहाफ पर उसकी इनकम प्राप्त करेगा और टैक्स का भुगतान करेगा तो जिस व्यक्ति या सदस्य का नाम वसीयत नामे में मेंशन होगा वही सदस्य रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा। यदि व्यक्ति कोई वसीयतनामा नहीं बनाता तो उसके परिवार के अन्य सदस्य ही उसके द्वारा कमाई गई आय के लिए जिम्मेवार होंगे। वे इनकम भी प्राप्त करेंगे और टैक्स पे करने के लिए भी जिम्मेदार हैं यदि वह व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले टैक्स का भुगतान ना कर सके तो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर श्यामलाल की एक रोड एक्सीडेंट में 10 जनवरी 2020 को डेथ हो गई। अब यदि मिस्टर श्यामलाल ने वसीयतनामे में अपने बेटे के नाम अपनी सारी संपत्ति कर दी थी तो अब बेटा ही अपने पिताजी द्वारा अर्जित आय पर टैक्स पे करने के लिए जिम्मेवार है और यदि वसीयतनामा नहीं बना हुआ तो भी परिवार का कोई भी सदस्य उनके बिहाफ पर 2019-20 की टोटल इनकम पर असेसमेंट ईयर 2020-21 में टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आती है बात असेसी इन डिफॉल्ट की। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए जिम्मेवार होता है लेकिन वो उस कार्य को समय पर नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को चूक में करदाता यानी असेसी इन डिफॉल्ट माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई धनराशि देते समय उसमें से आयकर काटने के लिए जिम्मेवार है और वह ये टैक्स डिडक्ट नहीं करता या फिर यूँ कहो कि टैक्स तो डिडक्ट कर लेता है लेकिन सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाते तो वह व्यक्ति असेसी इन डिफॉल्ट समझा जाएगा। इसी प्रकार एक कंपनी जब डिवेंचर्स इशू करती है तो डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का भुगतान करने से पहले उसे इंटरेस्ट में से इनकम टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट कर लेती है जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं। मीन्स जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है या अराइज हो रही है
वहाँ पे टैक्स जो है काटा जाता है। तो कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट का भुगतान करने से पहले टैक्स काट लेगी और गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएगी। यदि कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो असेसी डिफॉल्ट मानी जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स का अर्थ क्या है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती से अर्थ है कि कोई व्यक्ति आय का भुगतान करते समय उस आय पर निर्धारित दर से कर काट ले और बची रकम आय प्राप्तकर्ता को देकर काटी हुई रकम सरकारी कोष में जमा करा दे। इस प्रकार की कर की कटौती को टैक्स डिडक्टेड सोर्स कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।